दिखाएंगे विनेश फोगाट। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कुश्ती का फाइनल मुकाबला विनेश फोगाट नहीं खेल पाएंगे। विनेश फोगाट जिनसे कुश्ती में गोल्ड की उम्मीद की जा रही थी। और कुश्ती का फाइनल मैच वो नहीं खेल पाएंगी क्योंकि अयोग्य घोषित किया गया पेरिस ओलंपिक से। एक बड़ी खबर भारत के लिए, एक बड़ा झटका, ओलंपिक में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया। मिल रही जानकारी के अनुसार पेरिस ओलंपिक से जुड़ी है बड़ी जानकारी, जिसमें 50 किलोग्राम भार वर्ग में विनेश फोगाट खेल रही थी और उनका अतिरिक्त भार होने की वजह से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और एक बहुत बड़ा झटका, पेरिस ओलंपिक से आ रही जानकारी, कुश्ती का फाइनल मुकाबला जिन्हें खेलना था, उम्मीदें भारत के हर खासोआम की विनेश फोगाट से थी और विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया। पेरिस ओलंपिक से मिल रही जानकारी, उनका भार ओवरवेट कहा जा रहा है क्योंकि 50 किलोग्राम भार वर्ग में विनेश फोगाट खेल रही थी। कुश्ती का फाइनल मैच खेल करके वो भारत को गोल्ड मेडल दिला सकती थी और चूंकि सिल्वर मेडल उनका पक्का हो गया था और अब तक उन्होंने ताबड़तोड़ कई पहलवानों को हराकर यहां तक का सफर तय किया था और अब विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ये ओवरवेट होने की वजह से अयोग्य घोषित किया गया है। सवाल यहां पर कई उठते हैं, क्या कर रही है ओलंपिक की टीम, ओलंपिक एसोसिएशन क्या कर रहा है? एक खिलाड़ी अगर ओवरवेट है तो उसके वेट को क्यों नहीं जांचा गया और वो सेमीफाइनल्स तक आखिर कैसे पहुंचा, फाइनल में प्रवेश कैसे किया, ये गलती किसकी है, ये भी देखना अहम होगा। और कुश्ती का फाइनल मुकाबला विनेश फोगाट नहीं खेल पाएंगे। दरअसल ओलंपिक्स में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया पेरिस ओलंपिक से, बड़ी खबर। और चूंकि जिस तरह से जिन परिस्थितियों में ओवरवेट विनेश फोगाट को पाया गया है, इस पर एक्सपर्ट से ही जानना बेहतर होगा और लगातार डिटेल्स आप तक फिलहाल पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी खबर, एक बड़ा झटका भारत के लिए, चूंकि भारत को एक और गोल्ड की उम्मीद थी कि एक गोल्ड ओलंपिक्स में और मिलेगा। हालांकि इस अयोग्य घोषित किए जाने की खबर से निश्चित रूप से विनेश फोगाट और कुश्ती के देखने वाले और भारत का हर नागरिक निश्चित रूप से निराश होगा, क्योंकि एक गोल्ड की जो उम्मीद थी वो गोल्ड अब यहां पर नहीं मिलेगा। क्या इस बारे में कोई अभी टेक्निकलिटीज बाकी हैं, क्या कोई संभावनाएं बन सकती हैं? बहरहाल इस पर भी रहेगी हमारी नजर, लेकिन फाइनल का मुकाबला विनेश फोगाट नहीं खेल पाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, ओलंपिक्स में कुश्ती का फाइनल मुकाबला जो कि विनेश फोगाट को खेलना था, अब वो नहीं खेल पाएंगे। चूंकि विनेश फोगाट अच्छा प्रदर्शन कर रही थी ओलंपिक्स में, पहली महिला पहलवान जो यहां तक पहुंची हैं और संभव है कि ये मैच जीतने के बाद गोल्ड मेडल भारत को दिलवाती हैं, लेकिन अब वो संभावनाएं, वो जो मौका बन रहा था, पूरी तरह से हाथ से बाहर जाता हुआ। हालांकि विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में ये मैच खेला और मंगलवार को एक 3 मुकाबलों में उन्होंने जीत हासिल की थी और इतिहास रचते हुए फाइनल्स में जगह बनाई थी, लेकिन अब वो ये मुकाबला फाइनल्स का नहीं खेल पाएंगी।